ग्लासगो में संपन्न हुई COP26 की बैठक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो हमारे देश की दुनिया के लिए प्रतिबद्धता है वो प्रतिबद्धता व्यक्त की है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत से जो कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचामृत कार्य योजना के तहत भारत में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही एक लंबी दीर्घकालिक योजना 2070 तक 2070 तक देश को नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रो उत्पादन और उद्योगों में जो स्वच्छ ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत के साथ ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसकी भी स्थापना करने का काम किया है, और आज प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए जो सब्सिडी प्राप्त हो रही है समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग है वो तेजी से बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश में सौर ऊर्जा और जल विद्युत के क्षेत्र में हाइड्रो के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश में सौर ऊर्जा की अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए हमारी सरकार पिछले सालों में नवीन सौर ऊर्जा नीति हमने बनाई है, और समय समय पर उस नीति में हमने संशोधन भी किया है। मतलब अनेक जो हितधारक हैं उन हितधारकों के साथ हमने बैठक की है, उनके विचार जाने हैं, उनके सुझाव लिए हैं, और जहाँ पर नीति में शिथिलीकरण करना है या कोई नई चीज़ जोड़नी है वह भी हमने स्वीकार करने में कोई देरी नहीं की है। हमने 2025-26 तक राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, और हमारे इस वर्ष के सामान्य बजट में उसमें बजट की भी हमने प्रावधान कर दिया है। 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान हमने इस साल के बजट में किया है। आपको पता है मंत्री जी, पता है 100 करोड़ रुपए के बजट रखा है, जो अभी आप कह रहे थे ना रखा, इनके ऑफिसों में नहीं लगा है। हाँ नहीं, इनके ऑफिसों में नहीं, बजट नहीं, मैंने कहा कि अभी नहीं, मंत्रियों का तो चलिए मंत्री लोग खुद ही लगाएंगे, और क्या लगवाएंगे, विधायक लोग भी लगवाएंगे, सब लोग लगवाएंगे। अभी क्या हमारे सरकारी कार्यालयों में, और मैंने भी ये चूंकि आज तो ये बैठक हो रही है, लेकिन एक दिन मैंने श्री मीनाक्षी सुंदरम जी और रंजना जी ये सब लोग बैठक में थे, और ये मैं आज से लगभग एक साल डेढ़ साल पहले से ये बात बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रहा था कि आप मुख्यमंत्री ये जो आवास है इसमें, और जो मेरा जो निजी आवास है वहाँ पर भी, क्योंकि जो भी उसकी फीस देनी होगी वो हम जमा करेंगे, लेकिन आप इस प्रकार का प्रावधान करते हैं। वो केवल इसलिए नहीं कि यहीं इसकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए, या लोग इसको देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो अपने यहाँ भी लगाने के लिए जो है कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है मंत्री जी जो कह रहे थे कि आप लोगों के कार्यालय में ये सब लगेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमको भी अपने यहाँ लगाना है। और जो हमारे यहाँ ऊर्जा की जो खपत है और ऊर्जा का उत्पादन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, 40-60 का रेशियो है जो हमारा उत्पादन और खपत के बीच में। तो इस खपत और उत्पादन के बीच का जो बड़ा गैप है उस बड़े गैप को पाटने के लिए भी, उसको बराबर करने के लिए भी ये ऊर्जा, ये नवीनीकरण ऊर्जा, ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और बड़ी हर्ष का विषय है कि आज हम प्रदेश के 27 शासकीय भवनों में कुल 1.26 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण आज कर रहे हैं, आज किया है हम लोगों ने।
यह पहल हमारे प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और हमारी जो भावी पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ एवं स्वस्थ पर्यावरण आने वाले समय में सुनिश्चित होगा और इकोलॉजी में एक बड़ा योगदान होगा। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 70% सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। 70% सब्सिडी भी दी जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक 734 लाभार्थियों को 3.72 करोड़ का अनुदान अभी तक दिया जा चुका है। इसके साथ ही घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर प्लांट हीटर संयंत्र की स्थापना पर भी 30% से 50% तक का अनुदान प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। इस योजना हेतु हमने ऑनलाइन जो पोर्टल विकसित किया है उसका आज आपने मेरे हाथों ही उसका शुभ